मैं अनिल ठाकुर, पंजाब यूनिवर्सिटी में डिविजनल इंजीनियर हॉर्टिकल्चर के काम करता हूँ। यहाँ आज आज ये जो रोज़ फेस्टिवल है, पहले तो इसका थोड़ा बता दीजिए कुछ। ये जो रोज़ फेस्टिवल है, ये हमारा 12th एडिशन है रोज़ फेस्टिवल का, और ये 2 साल बाद हम कोरोना के कारण रुक गया था, उसको दोबारा हमने रिकैप की स्टार्ट किया ये। और बच्चों का आप रिस्पांस देख रहे हो, कितना अच्छा रिस्पांस है। और पंजाब यूनिवर्सिटी का एक ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट सारे जितने भी पैराफिनिलिया पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व है, सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि फ्लावर शो कॉम्पिटिशन हमने ऑर्गेनाइज किया, इसमें तकरीबन 550 एंट्रीज हमारे पास आई हैं, और इसमें जजिंग हो गई है। फर्स्ट सेकंड प्राइजेज हम दे रहे हैं, कंसोलेशन प्राइजेज दे रहे हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे इस रोज़ फेस्टिवल में, उन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। अंकुर स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने किया हुआ है। इनेक्टस के बच्चे हैं, इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बच्चे हैं, जियोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं। हमारे जो सबसे मेन एक यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप काम करता है नेचुरल बायोडाइवर्सिटी का, वो उसके हमने एग्जीबिशन लगाई हुई है। और इस बार हमने एक हॉर्टिकल्चर आस्पेक्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर एक स्पेशल एग्जीबिशन लगाई हुई है, ताकि जो यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर की महिमा है उसको लोग ध्यान से देखें पिक्चर्स में जो है। और ये सारी पिक्चर्स जो है खींची हुई, ये यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ ने और जो कंसर्न्ड ग्रुप है यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड, उन्होंने सब ने ये किया हुआ। रोज़ फेस्टिवल की अगर बात करें तो कितने टाइप ऑफ जो रोजेज हैं इसमें, कितने किस्म हैं? इसमें 130 किस्म के रोजेज हैं, और तकरीबन 3200 के आसपास प्लांट्स लगे हुए हैं हमारे रोजेज। ये सारा बैरन लैंड था, 2.5 एकड़ का ये लैंड है, और इसको हमने डेवलप किया, और इस पे यूनिवर्सिटी का कोई हमने खर्चा नहीं होने दिया इसको डेवलप करने के लिए। आप देखिए फुटपाथ है जो, वो भी हमने वेस्ट का बनाया हुआ है, और जो फ्लावर्स है ये हमने डिफरेंट सिटी से परचेज़ करके इसको अलग रखे।